हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हिमांशु और आज हम बनाएंगे एग करी। तो एग करी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एग, और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी वही है। तो एग बॉईल करने के डिफरेंट प्रोसीजर हैं इंटरनेट में। आज जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा एग बॉईल करने का, वो 99% प्रूव्ड है, जिसमें आपको क्या होगा कि एग के जो शेल स्टक हो जाते हैं बॉईल करने के बाद वो नहीं होंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में सबसे पहले आप वाटर को सीजन करिए, सॉल्ट डाल दीजिए, और उसके बाद बॉइलिंग वाटर में आप एग्स को स्पून की हेल्प से ड्रॉप कर दीजिए। तो होता क्या है, जब हम बॉइलिंग वाटर में एग को डालते हैं तो उसका जो प्रोटीन होता है वो इमिडिएटली सीज हो जाता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता कि वो मेम्ब्रेन के साथ स्टक हो जाए। तो हमारे जो एग्स होते हैं वो प्रॉपरली बॉयल होते हैं, और हम जब पील करते हैं तो वो अपने मेम्ब्रेन के साथ स्टक नहीं होते। तो एग्स अब बॉयल हो गए हैं, अब हम इसको निकाल के कोल्ड वाटर में डाल देंगे और पील करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 99% प्रूफ मेथड है, अभी 1% का स्कोप तो मिलता है ना यार। तो देखिए एग परफेक्टली पील हो गए हैं, कोई भी शेल इसका स्टक नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, हम एक फोक से इसको प्रिक कर लेंगे। और अब एक पैन में इसको हम सौते करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है मीडियम हाई टेम्परेचर में। एग्स को हम सौते करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे हम इन एग्स का। ओके, तो परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सेम पैन में जिसमें हमने एग्स को शैलो फ्राई करा था, उसी पैन में और वही ऑयल यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मीडियम हीट में जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम थोड़ा सा हींग, मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स डाल देंगे। और देखिए ये जो साउंड आ रहा है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट हीट है। अब डालिए इसमें गार्लिक, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें डाल दीजिए ग्रेटेड अनियन। अब इसे अच्छे से पका लीजिए। हल्दी, धनिया पाउडर,
और चिली पाउडर डालेंगे, हल्का सा पका लीजिए इसको। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रेटेड टमेटोज। और नमक थोड़ा सा इसे पकाइए। जैसे ही थोड़ा सा ये जैमी लाइक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए। देखिए अब ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो गई है। तो अब जो आपके गोल्डन एग्स हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। अच्छे से इसको ग्रेवी से कोट कर लीजिए और एग करी इज रेडी टू सर्व।